नमस्कार एवरीवन। सो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, एक्सरसाइज 6.3 के। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखिए पैरेललोग्राम में ना हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स वो क्या होती हैं? पैरल मीन्स दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। सेकेंड थिंग, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मीन्स दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन। सो हमें नेमिंग देनी है, तो हमें नेमिंग कौन है? ए बी सी डी। तो हमें पता है ए बी सी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं, ए बी सी डी इस तरीके से, या फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे नहीं। सो एंड तो अब दोबारा करते हैं। ई इज पॉइंट ऑन द साइड ए डी। ए डी पर हमारे पास एक पॉइंट है प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए डी को जब प्रोड्यूस करेंगे, सपोज मैंने इसको प्रोड्यूस किया यहां तक, ये जो पॉइंट बन के आ गया हमारे पास, ये कौन सा पॉइंट आ गया? ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड। ए डी को प्रोड्यूस किया तो डी ए करते तो उधर जाते हैं, तो ए डी मीन्स इधर आ रहे तो इधर जाएंगे। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बोल रहे जो बी ई है ना वो सी डी को इंटरसेक्ट करेगा कहां पर? एफ पर। सपोज मैंने इसको ज्वाइन किया तो बी ई लाइन हो गई, वो सी डी को कर रहा है इंटरसेक्ट कहां पर? एफ पर कर रहा है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ओके एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग से बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि हम सिमिलरली आराम से प्रूव कर सकें। ए बी ई, देखो ए बी ई हमारे पास, ए बी ई कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ये हमारे पास ए बी ई है, और सी एफ बी, सी एफ बी वैसे आपको इसमें दिख भी रहा है क्लियरली, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है भी नहीं। सो क्या मैं देखो कैसे कह सकता हूँ, मैं आपको पहले समझा देता हूँ चीज़ों को। मैंने बताया ना ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। सो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और आपको एक एंगल बराबर और करना है। देखो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ए लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब ए डी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ए ही बनेगा, तो दिस लाइन इज पैरेलल विद दिस वन। सो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, अगर मैं कुछ ऐसे एक इंटरसेक्ट कर दूं तो हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो जाएंगे? सो क्या मैं कह दूं कि ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल हो जाएगा? दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन। सो एक ट्राइंगल के दो एंगल, एक ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो आई कैन से दैट बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बस अब हमें क्वेश्चन लिखना है, देखिए कैसे। कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड दिस इज एंड, इन ट्राइंगल बी सी एफ, ट्राइंगल बी सी एफ आई कैन से दैट ई ए बी, ये वाला एंगल जो है ई ए बी, सो एंगल आ गया हमारे पास ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। बी सी एफ क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में हमारे पास गिवन था पैरेललोग्राम, सो एक पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो अपोजिट लिख, रीजन लिखना जरूरी है। सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारे पास पता है हमें चीज़, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक तो हमारे पास काम हो गया। अब हम जानते हैं कि हमने ए डी को ही आगे एक्सटेंड किया है ए ई तक, तो ए ई एंड बी सी आर पैरेलल, सो ए ई इज पैरेलल विद बी सी। ए ई किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, और बी ई हमारे पास एक लाइन जा रही है कट करते हुए। सो हम कह सकते हैं क्या कि जो एंगल, ये वाला एंगल है, देखिए डबल से बनाया हुआ है, डबल लाइन से, तो एंगल सी बी एफ, सो एंगल सी बी एफ इक्वल हो गया किसके? ए ई एफ के, इस एंगल के, एंगल ए ई एफ। क्यों हो गया? क्योंकि ये हमारे पास अब ऑल्टरनेट एंगल्स की तरह काम करेंगे, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। अरे ये चीज़ पढ़ी है ना आपने, नहीं पढ़ी, तो ये एंगल हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल हो, एक कट करते हुए जाए तो ऐसे हो, बस इसको ऐसे टिल्ट किया हुआ है, तो वही तो बात बनी हमारे पास। तो दो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए, एक ये और एक ये। सो बाई एंगल 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 कहें या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी कहें, हमारे पास दोनों, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी वी कैन से वॉट,
ये ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। सो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर विद ट्राइंगल सी एफ बी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कभी भी डायग्राम में समझने में दिक्कत हो तो आप दोनों डायग्राम्स को अलग अलग बना लो, समझने में आसानी होगी। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एंगल ही देखो, साइड तो हमें कहीं दिख नहीं रही है, तो ऑब्वियस है कि हमें एंगल एंगल से ही ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना ही होगा। सो हमने वो कर दिया। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बोल रहे कि इन फिगर 6.39, और फिगर हमारे पास 6.39, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। बोल रहे कि आप पहले ड्रॉ कर ही दीजिए। सो लेट फिगर 6.39। ओके आई थिंक मैंने दूसरे पेज क्वेश्चन में मैंने गलत फिगर ड्रॉ किया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज सी, दिस इज एम, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी। ओके सो बोल रहे क्या कि आपके पास ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। देखिए ए बी सी ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, और ए एम पी ये आपके पास एक 90 डिग्री दिया हुआ है। राइट एंगल लेट बी एंड एम, बी और एम पी हमारे पास 90 डिग्री है। 90 डिग्री को डिनोट करने आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो ये भी 90। प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्राइंगल ए एम पी। देखिए ए बी सी और ए एम पी मुझे अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है। ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए आ गया एंड एंगल ए एम पी में एंगल ए आ गया, तो एंगल ए एंगल ए कॉमन हो गया, और इन दोनों ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का, टू एंगल्स आर इक्वल। सो हमारे पास भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल्स हो गया क्या, सिमिलर। सो हम करते हैं बात इन ट्राइंगल, इन्हीं ट्राइंगल की बात करेंगे क्योंकि हमें इन्हीं को प्रूफ करना है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, तो ए और ए तो हमारे पास आ गया कॉमन। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू ए बिकॉज ऑफ कॉमन, और एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, और एंगल ए एम पी भी 90 डिग्री का है। एंगल ए एम पी ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि गिवन है ये और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, 90 डिग्री के। सो आई कैन से वॉट कि बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी आई कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आई थिंक 9 क्वेश्चन हो गए, और सारे के सारे सिर्फ उन्हीं तीन चार थ्योरम्स पे, तीन थ्योरम्स पे बेस हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको प्रूफ क्या करना है, सी ए अपॉन पी ए। देखिए मुझे यहाँ से दिख रहा है थर्ड, और अब देखिए सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। कुछ नहीं करना, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी तो सिमिलर, साइड प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल होती है। सो आई कैन से वॉट, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूव्ड। आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन, लिख दीजिए इफ, लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है। सो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, देन देयर साइड्स विल बी प्रपोर्शनली इक्वल। तो उनके जो साइड्स प्रपोर्शनल करेंगे तो हमारे पास वो क्या होंगी, इक्वल होना पड़ेगा, और इक्वल हो जाएंगी कैसे। सिमिलर ट्राइंगल्स को लिखने का तरीका मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट 2 अल्फाबेट ले लीजिए ए बी, तो इधर भी फर्स्ट 2 अल्फाबेट लेंगे ए एम फर्स्ट, और अगर सेकंड लास्ट 2 अल्फाबेट लिए बी और सी लिया तो इधर भी लास्ट 2 अल्फाबेट लेंगे एम पी, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिया तो इधर भी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लेंगे ए पी। सो हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना था, ये, और ये हमें लास्ट के 2 में मिल रहा है। देखिए इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में कह रहा हूँ मैं, बी सी अपोन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपोन ए पी, और हमारे पास ये क्या हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमें, और ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो हमारे पास हैंस वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है मेरी बात? सो हैंस लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर
नाइन, आई थिंक द इजिएस्ट क्वेश्चन में से काउंटिंग करूँगा मैं इसकी। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम गलत बना दिया मैंने, बट कोई नहीं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पर इन्फेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज योर नोट द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद का देखते हैं। बोल रहे सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। क्या बोल रहा है समझेंगे। बोल रहे एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल ई एफ जी है। पहले तो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, दिस वन शुड नोट, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन का डायग्राम था, यहाँ पे बन गया। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास दो ट्राइंगल हैं, लेट से दिस वन एंड दिस वन। एक ट्राइंगल सपोज ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ई एफ जी, ई एफ जी। अब क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहे सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर। देखिए बाई सेक्टर मीन्स बाई मतलब दो, सेक्टर मीन्स कट करना, तो दो एंगल इक्वली कट करना, दो इक्वल एंगल्स को कट करना, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल कौन सा होगा, देखिए ए सी बी ये वाला एंगल, पहली चीज ये जो एंगल है इसको कट कर रहा है कुछ इस तरीके से, एंड एंगल ई जी एफ, ई जी एफ दिस वन एंगल, इस एंगल को कट कर रहा है इस तरीके से, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात। ये एंगल सपोज मैं एंगल नाम दे दे रहा हूँ, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। वन तो टू के इक्वल होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको चीज़ें। इसमें जो चीज़ें निकल के आएंगी ना, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू होगा और एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इसका होगा, एंगल बाइसेक्टर मतलब यही है कि जो एंगल पूरा था इसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, ये एंगल पूरा था इसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात, तो ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स, तो जो डी और एच है लाई करेंगे ए बी और एफ ई पे, ए बी और एफ ई पर, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट एच, ठीक है। और ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली, ट्राइंगल ए, देखिए अब मेरी बात ध्यान सुना, ए बी सी जो है ना, ए बी सी है वो ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है, ना कि ई एफ जी के सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, क्योंकि अगर जो बच्चा यहाँ पे नहीं पकड़ पाया वो गारंटी क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। समझ पा रहे मेरी बात का मतलब आप। सो हम फोकस करना है किस पर, इस पूरे स्टेटमेंट पर। बोल रहा है एफ, देखिए ए बी सी, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, और सी किसके इक्वल होगा, जी के। तो यहाँ पे तो मैंने ए को ई के इक्वल किया हुआ है, या तो फिर आप इसको ऐसे कीजिए तो प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको नाम ही चेंज कर देंगे ना, इसको हम क्या कर देंगे एफ। ए किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल, बी किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल। तो ये अब देखिए ए बी सी एफ ई जी, नाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व इजिली, यू कैन सॉल्व इजिली। समझ आ रही मेरी बात, तो ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर हो गया एफ ई जी के। नाउ अब देखते हैं क्या करना है। शो दैट, पहला पार्ट क्या है, सी डी अपॉन जी है, देखिए ढूंढ ले पहले सी डी और जी एच क्या है। सी डी ए रहा, जी एच ए रहा, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी ए रहा, एफ जी ए रहा। अगर मैं इस ट्राइंगल को, मैं जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डी और ये हमारे पास पॉइंट सी पॉइंट है, अगर ए डी सी को मैं अगर इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए डी सी, क्योंकि तभी तो मैं सी डी और जी एच ला पाऊँगा, सी डी और जी एच, और तभी मैं ए सी और एफ जी ला पाऊँगा। तो ए डी सी एंड एफ एच जी, अब सुनते हैं मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात। पहली चीज़, आपके पास एक चीज़ गिवन है कि ट्राइंगल, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है हमारे पास ट्राइंगल एफ ई जी के। सो क्या मैं कह दूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया, हमें एक एंगल तो इक्वल मिल गया, एक एंगल और इक्वल करना है। सो आप देखिए एंगल सी, मतलब एंगल ए सी बी, एंगल इज इक्वल टू एफ जी ई, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी। ओके,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, हमें ये प्रूफ करना है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री प्रूफ कर दिया तो काम हो जाएगा। एंगल ए सी बी क्या है हमारे पास, एंगल वन प्लस एंगल टू, और एंगल एफ जी ई क्या है, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। और अभी अभी तो मैंने दिखाया कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू था, तो क्या मैं एंगल टू की जगह एंगल वन लिख दूँ? सो एंगल वन प्लस एंगल वन, और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर था, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर की जगह एंगल थ्री। क्यों? क्योंकि एंगल वन एंगल टू के बराबर है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ एंगल बाई सेक्टर। क्वेश्चन में गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, एंगल बाई सेक्टर, बाई सेक्टर, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना काम हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। एंगल वन प्लस एंगल वन क्या हो गया, टू एंगल वन। एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री क्या हो गया, टू एंगल थ्री। सो इट मीन्स एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल थ्री। ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। सो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर विद दिस ट्राइंगल। सो देयर फोर ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर विद ट्राइंगल एफ एच जी। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो आप साइड का रेशियो भी तो इक्वल प्रूफ ले सकते हैं। मीन्स आप इधर से देख लीजिए, अब आप ए डी अपॉन एफ एच, डी सी लास्ट टू अल्फाबेट डी सी अपॉन एच जी, और ए सी अपॉन एफ जी। और हमें तो प्रूफ करना था सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन एच जी और ए सी अपॉन एफ जी, हमें ये तो प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, इसको मत देखे ना, ये तो प्रूफ करना था, हमने कर दिया प्रूफ। तो हैंस प्रूव्ड, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक है ना। सो जो भी हमें प्रूफ करना था हमने देखा वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है और उसको हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि ट्राइंगल डी सी बी और एच जी, कौन से ट्राइंगल है डी सी बी और एच जी, जरा देखते हैं। डी सी बी ये ट्राइंगल और एच जी ई ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। भाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई तो है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, क्योंकि ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर था, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है, और एंगल टू एंगल फोर को इक्वल कर देंगे जैसे हमने एंगल वन और थ्री को प्रूफ किया है। सो यहाँ पर हम करते हैं पार्ट नंबर टू, दिस इज पार्ट नंबर टू का प्रूफ। सो ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो हमारे पास सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। सो क्या मैं कह दूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया? यस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों इक्वल हो गए। एक एंगल तो मिल गया, एक एंगल इक्वल और प्रूफ करना है, कौन सा एंगल, टू को एंगल फोर के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये हमारे पास आ चुका था क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल, इसका मतलब ए सी बी का मतलब क्या है, वन प्लस टू, और एफ जी ई का मतलब क्या है, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। सो हमें एंगल टू और फोर चाहिए ना, तो एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल वन के। सो एंगल टू प्लस एंगल टू और एंगल फोर प्लस एंगल फोर। क्यों? क्योंकि एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू है और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर है, तो इसलिए मैंने एंगल वन की जगह एंगल टू लिख दिया, वन की जगह टू लिख दिया और थ्री की जगह फोर लिख दिया। तो हमारे पास एंगल टू प्लस एंगल टू, टू एंगल टू, एंगल फोर प्लस एंगल फोर, टू एंगल फोर, टू से टू कट गया, सो एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर आ गया। सो एक तो ये मिल गया और एक एंगल ये मिल गया, बी ई के इक्वल मिल गया, टू फोर के इक्वल मिल गया। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी व्हाट, सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। डी सी बी, डी सी बी सिमिलर हो गया एच जी, एच जी ई, हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। समझ में आ रही है? देखो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, अगर आप चीज़ों को प्रीवियस लेक्चर से अगर आप करते हैं, रिलेट करते हैं तो, ठीक है ना। जो पीछे से स्टार्टिंग से समझते आ रहा है फर्स्ट लेक्चर से, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी से, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यस और नो, समझ आ रही है बातें? अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा समझाने में, ठीक है। सो ये एक गलती से डायग्राम बन गया था। सो बात करते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड के। देखिए क्वेश्चन तो वही था, मीन्स डायग्राम तो हमारे पास यही है, बोल रहे डी सी ए, बात करते हैं डी सी ए
और एच जी एफ, ये जो ट्राइंगल है इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। हम यहाँ पे कर तो चुके हैं ADC और FHG को, ये जो दिख रहा है आपको ये प्रूफ कर तो चुके हैं भाई। एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है इन ट्राइंगल ADC, चलो लिख दीजिए आप पहले इस चीज़ को कि इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल FHGF की बात कर देते हैं। ADC लिखा तो FHG लिख लेते हैं, FHG। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ, ठीक है, और एंगल वन इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एंगल थ्री। क्यों है, क्योंकि हम लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव, अगर तीनों पार्ट इसी क्वेश्चन के हैं तो हम लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी। अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्ट पूछा होता तो हम भी पूरा ये जो लिखा चीज़ हमने इसको दोबारा वहाँ लिखते हैं, बट यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट तो लिख दीजिए ऑलरेडी प्रूव। तो दो एंगल हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स वॉट, आप कह सकते हैं कि बाय हमें जो चाहिए वही लिखेंगे हम। ए अब DCA है तो DCA लिख दो ना, ADC को लिखना है तो हम लिख देंगे क्या कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर विद ट्राइंगल HGF, किसकी हेल्प से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सो आपका काम हो गया। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। सो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 10 हो चुके हैं, सो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेज व्हाट, सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारे पास इन फिगर 6.40, सो आपके पास एक फिगर बना हुआ है और फिगर देखिए आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ है, आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में आपके पास एक 90 डिग्री का लाइन है, वो बी, दिस इज AD आपके पास परपेंडिकुलर है BC पर, और आपके पास एक स्टेटमेंट और है कि आपके पास ये लाइन हमारे पास एक्सटेंड की गई है और इसको भी परपेंडिकुलर बनाया गया है किसके, AC पर। ये हमारे पास कौन सा है, F, और ये हमारे पास क्या है, E। इन फिगर 6.40, दिस इज योर फिगर 6.40। अब क्या कह रहा है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB, CB देखो CB को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट आया E ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ मिलेगा इससे हमें। आइसोसेलिस ट्राइंगल ABC, देखो ABC हमारे पास एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो आपके पास दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये जो AB है ये AC के इक्वल है, AB है वो AC के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हुआ या नहीं हुआ, एंगल B एंगल C के इक्वल हुआ, इससे काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगे देखेंगे हम, ठीक है। देखो जो चीज़ें गिवन हो ना उसको माइंड में रख लो, तो इफ़ AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और EF जो है परपेंडिकुलर AC पर है, प्रूव दैट कि ABD जो ये ट्राइंगल है सिमिलर विद ट्राइंगल ECF। आपको सिर्फ इन दो ट्राइंगल पे ध्यान देना है, आपको दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स कैसे भी करके दो एंगल्स आपको इक्वल निकालने होंगे, अगर आप वो निकालने में कामयाब हो गए। देखो ABD, मैं पहले इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ लिख देता हूँ, और ECF इसे समझाने के पर्पज़ से, अगर आप समझ सकते हैं वैसे तो भी अच्छी बात है। सो ADB और ECF, मुझे दो एंगल्स इक्वल चाहिए, देखते हैं कौन से। देखिए क्या मैं कह दूं कि एंगल ABD में अगर सपोज पहली चीज़ तो ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री बना दिया, और ECF में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एक तो 90 डिग्री मिल गया, काम ख़त्म। मुझे एक एंगल इक्वल और चाहिए, फिर मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या कर दूंगा, ट्राइंगल सिमिलर कर दूंगा, एंगल एंगल, और वो एंगल एंगल कहाँ से निकल के आएगा, दूसरा एंगल, ये एंगल दिख रहा है। देखिए एंगल बी सपोज 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, तो एंगल सी जितना हुआ उतना ही तो एंगल बी हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो जितना एंगल सी हुआ उतना ही तो एंगल बी हुआ, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, नहीं हो गया। ये कहाँ से निकल के आया, आइसोसेलिस की वजह से, इस वर्ड की वजह से, अगर ये वर्ड नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स, समझ आ रही है बात, कंफ्यूज नहीं होना इन सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स के अंदर। सो मुझे सिर्फ दो एंगल ढूंढने इक्वल, सो आई कैन से व्हाट, लिखेंगे क्या, इन पहले हम इन ट्राइंगल की बात करेंगे अच्छे से, पहले प्यार से बैठाएंगे, बोलो इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ECF, क्या कहेंगे कि जो ये 90 डिग्री का है, ये 90, ये भी 90 ऑब्वियस है ना, तो एंगल ADB
ए बी डी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू वॉट एंगल ई एफ सी, ये भी 90 डिग्री का है, एंगल ई एफ सी क्यों भाई, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं 90 डिग्री के हैं। और एंगल ए आप पहले लिख दीजिए, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बिकॉज ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए इस पूरे ट्राइंगल का और इस पूरे ट्राइंगल में एंगल, तो इस वाले ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए बी डी, ए बी डी और ये जो सी एंगल था, अब इसको चाहे आप ए सी डी लिखो या ई सी एफ, लेकिन हम क्या लिखेंगे, अब ई सी एफ लिखेंगे क्योंकि हमें ई सी एफ ट्राइंगल की बात करनी है। तो एंगल ए बी डी का ये एंगल हो गया और एंगल ई सी एफ का ये एंगल हो गया, दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ सेम, इसका मतलब है वही जो ऊपर लिखा हुआ वही आइसोसेलिस ट्राइंगल। आई कैन से दैट बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी व्हाट, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर विद ट्राइंगल ई सी एफ। समझ आ रही है बात, तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये जो तीन क्वेश्चन अगले आने वाले हैं, और 14, 15, 16 को भी कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी कह सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।